वह इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा शहर में कोरोना मरीजों का मिलना कम नहीं हो रहा है। हर रोज मुंब्रा शहर में अलग अलग इलाकों से कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं और कोरोना के एसिम्प्टोमेटिक मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। एमएमवली स्टेडियम में अब तक एसिम्प्टोमेटिक कोरोना के 41 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। अब तक एसिम्प्टोमेटिक मरीजों में से 6 मरीज डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। इसके अलावा और भी जगहों पर टीएमसी स्कूल और कालशेखर हॉस्पिटल के पास ऐसे और भी कई जगहों पर बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए बेड बढ़ाए जा रहे हैं और स्टेडियम में भी ऑक्सीजन के 100 सिलेंडर आ चुके हैं। इमरजेंसी में किसी भी मरीज को अगर ज़रूरत पड़े तो लगाया जा सके। वहीं अगर बात करें मुंब्रा के कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तो 9 जून तक मुंब्रा कौसा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 605 पहुंच गई थी, जिसमें से 200 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट आए हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। मुंब्रा कौसा में कोरोना संक्रमण से अब तक कुल 64 लोगों की मौत हो चुकी है, मगर अभी भी मुंब्रा कौसा के कई इलाके ऐसे हैं जहां हर रोज कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों पर मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने क्या जानकारी दी है। वहीं स्टेडियम में एसिम्प्टोमेटिक मरीज जो भर्ती है, जिनका इलाज वहाँ के डॉक्टर जो कर रहे हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी है, सुनिए। गोसावी सर, अब तक इस स्टेडियम में जो है कितने पेशेंट जो एसिम्प्टोमेटिक थे, कितने पेशेंट अब तक भर्ती हुए और कितने डिस्चार्ज हुए? 41 पेशेंट अभी है भर्ती हो गए। डिस्चार्ज कितने हुए अभी तक? डिस्चार्ज अभी तक 6 पेशेंट हो गए। 6 पेशेंट। अच्छा, इसके स्टेडियम के अलावा भी और भी कहीं बेड लगाए जा रहे हैं आप लोगों तरफ से? इधर अपना टोटल 200 बेड है अपना, तो इधर 135 बेड अपना जो आर ओ ऑफिस है ना, इधर पंपिंग होती है अपनी, उधर 64 बेड और जो स्विमिंग टैंक है उधर 40 बेड, ऐसा मिला के सब 200 बेड इधर अपना अभी चालू हो गए। वही डॉक्टर है, नर्स है, पूरा स्टाफ भी आया है, मेडिसिन भी आई है और लोगों को खाना भी टाइम पर मिलता है, पानी है। ऑक्सीजन के बाटल कितने आए हैं? ऑक्सीजन का छोटा 50 आया है और बड़ा 50 आया है। अभी इमरजेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ऑक्सीजन नहीं लगता है, ऑक्सीजन में वेंटिलेटर में नहीं जाता है पेशेंट, जब ऑक्सीजन उसको टाइम पर मिलेगा तो वो हिसाब से अपन 100 बाटला ऑक्सीजन का सिलेंडर अपन मंगा के रखा है एहतियात के तौर पे। हाँ, इमरजेंसी और अभी लगाने का रहेगा तो आप तुरंत भी लगा सकता है, ऐसे रेडी पोजिशन डॉक्टर ने करके रखी है। और इसके पूरे मुंब्रा के जो है अब तक के कितने कोविड-19 के पेशेंट हुए और कितने की डेथ हुई, कितने डिस्चार्ज हुए सर? कल का फिगर सवेरे का 590 का था, जब रात का फिगर आया 15 का, 15 फिगर थे तो 605 पेशेंट अपने मुंब्रा में टोटल पॉजिटिव कोविड निकले, उसमें से कल सवेरे तक 184 डिस्चार्ज हो गए थे और बाद में रात को 120 लोग डिस्चार्ज हो गए, तो बोले तो 200 लोग अभी डिस्चार्ज होके घर पे चले गए। और डेथ का रेट मुंब्रा में ज़्यादा है, 64 डेथ हो गए। तो डेथ का रीज़न ऐसा है कि ज़्यादा होने का कि मुंब्रा के लोग सिम्टम्स दिखने के बाद, छोटा भी सिम्टम दिखेगा जब इधर एडमिट हो जाएगा अपने पास या हमारे दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगी, तो उनकी जो तकलीफ बढ़ती है, मुंब्रा का ब्रेथलेस होने तक घर पर ही लोग बैठते हैं, तो ज़्यादा क्रिटिकल बन जाते हैं। क्रिटिकल बन जाने के बाद में अपना डेथ, इसके वजह से अपना डेथ का रेट है वो मुंब्रा टीएमसी में पूरे मुंब्रा ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। बाकी का किसी का 3 है, किसी का 2.5 है, मगर अपना 4 पर रेट है। के सामने जो पत्थर डाला जा रहा है यहाँ पर जो है, महाराज के साथ कितने बेड का जो है यहाँ पर बंदोबस्त किया जाएगा? इधर अपना अपने मंत्री महोदय श्री अवर साहब, महाड़ा के गृह निर्माण मंत्री है, ये महाड़ा की तरफ से हॉस्पिटल अपने को बना के दे रहे हैं। ये 500 बेड का हॉस्पिटल इधर बनेगा और कलवा में भी 500 बेड का अपना हॉस्पिटल का काम सामने चालू किया। और ये छोड़ के मुंब्रा में जो अपना कौसा स्कूल है उधर 700 बेड का अपन अलॉटमेंट बेड रखने का काम चालू किया। और कालशेखर के सामने जो दारुल रहमत ट्रस्ट है, उनकी तरफ से भी अपने को जगह दी है, ताबे में भी दिया, उधर भी काम चल रहा है, उधर 700 बेड बैठेंगे, 700 बेड उधर भी है, उधर बैठेंगे। मेरा नाम डॉक्टर शार्मिन डिंगा है, मैं यहाँ पे टीएमसी के थ्रू आई हूँ
और यहाँ पे मैं एज ए मतलब सबका केयर कैसे हम लोग ट्रीटमेंट चलता है वो है मल्टी विटामिन, विटामिन D3 और विटामिन सी और हाइड्रोक्लोरिन, जिसको ज़रूरत लगे हमको लगता है कि हाँ इनको देना चाहिए, ज़्यादा सिम्टम्स दिख रहे हैं थोड़े बहुत तो हम लोग उनको वो भी चालू करते हैं। असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इन लोगों को लक्षण कुछ दिखाई नहीं देते बट ये कोविड पॉजिटिव है और कोविड पेशेंट ऐसे हैं जो ट्रीटमेंट लेकर आए हैं तो उनका इधर कंटिन्यूशन ट्रीटमेंट हो रहा है हम लोग के अंडर में फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले जब पेशेंट आता है ज़्यादातर यहाँ रेफर थाने से, थाने हॉस्पिटल से और फिर शिवाजी हॉस्पिटल से, जो उन लोग की कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है पहले डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, फिर डॉक्टर जब चेक कर लेते हैं कि कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट है और पेशेंट का स्टेपल, फिर पेशेंट का TPR टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन SpO2 बहुत ज़रूरी है, वो अबाउ 90 होना चाहिए और ब्लड प्रेशर, ये सब जो बेसिक वाइटल्स है पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देके बेसिक वाइटल्स दिया जाता है, फिर उसको रूम में शिफ्ट करते हैं और जो यहाँ से जो प्रोवाइडेड है बेसिक चीज़ें वो देते हैं और फिर डॉक्टर के रिटर्न ऑर्डर पे मेडिसिन क्या देना है कैसा देना है ये पेशेंट को एक्सप्लेन करना है और फिर देखना है कि पेशेंट को टाइम पर खाना पानी और जो जो फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, मतलब कि गर्म पानी जो दिया जा रहा है पेशेंट को ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।